हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मंडे के व्यू के बारे में। थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। पिछले 3 या 4 दिनों से हमारा व्यू ऑन पॉइंट है। आज सुबह भी आप लोगों को मैंने बताया था, टेलीग्राम चैनल के अंदर जो अपडेट दिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जी देखो ये हमारे लेवल्स हैं, इनके ऊपर 15 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज नहीं होगी और वहां से हमको बियरिश होता हुआ दिखेगा, और वही हमको होता हुआ दिखा। चाहे आप निफ्टी की बात करो, चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो, फिर निफ्टी में तो हम लोगों ने एक फेक आउट भी पकड़ा था। तो वो सारे अपडेट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिए थे, और जो पिछली वीडियो के अंदर हमने लेवल्स की बात की थी वही लेवल्स हम लोगों को आज देखने को मिले। तो अगर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर बताओ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर बता सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी कमेंट करने को नहीं है तो कोई भी रैंडम नंबर टाइप कर सकते हो, बट प्लीज कमेंट करना ताकि हमारा वीडियो एल्गोरिदम में थोड़ी सी हेल्प हो। एंड सिंस आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे हमारे पास होगा, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाकर डाल दूंगा मंडे को, तो हम लोग उस चीज का ट्राई करते हैं, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर लोगे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लोगे, उसमें आपका ही फायदा है। स्टार्ट कर लेते हैं आज हम लोग फिन निफ्टी के साथ, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो ज्यादा वॉलेटाइल हम लोगों को फिन निफ्टी दिखेगा। अब यहां पर अगर गाइज आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, तो मैंने आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज सुबह ही जो फेकआउट था वो बता दिया था आपको, कहां पे ये जो हमें फेकआउट दिखा था एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था। इनिशियली ओपन हुआ वहां पे, उसके ऊपर भी गया, बट वहां से हम लोगों को कोई अच्छा मूवमेंट नहीं मिला। और जब ये नीचे टूटा, देखो फेकआउट का एक फायदा बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि कभी भी अगर आपको एक फेक ब्रेकआउट पकड़ में आ जाते हो तो वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, प्लस बहुत रिलायबल होता है। तो जब हम लोगों को ये फेकआउट पकड़ में आया, यहां से हमें फिन निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ देखने को मिला। सेम इसी सेम व्यू पर हमने प्रीमियम के अंदर आज 2 फिन निफ्टी की पुट ट्रेड्स ली थी, और दो एक में आई थिंक हम लोगों को 18-19% का प्रॉफिट हुआ, और एक के अंदर हम लोगों को 20-25% का प्रॉफिट हुआ। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पर हुआ कि जब भी फेकआउट होता है तो मार्केट नीचे का ही था, जब भी बाउंस मिला वहां पर बेचा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब यहां से हमको जो फर्दर क्लैरिफिकेशन मिलेगी वो मिलेगी मंडे को। क्यों? क्योंकि देखो जब यहां से हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिला तो ये ईएमए 55 था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये जो ईएमए है ये यहां पर आ चुका है 17,930 पे, जो कि ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बुल लेवल जो है मैं मार्क कर देता हूं, वो है 17,930 का। ये क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे 940 है तो ये हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे बुल मार्क रखते हैं। एंड अगर ये कैसे भी हम लोग को टूटता हुआ देखने को मिला तो आप देखो लास्ट टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ईएमए 55 के ऊपर कब थे? यहां पर भी नहीं थे, यहां पर भी नहीं थे, यहां पर थे 16 फेब को थे हम लोग, और तब प्राइस 18,600 था। अब हम वहां से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स नीचे गिर चुके हैं। तो ये ईएमए 55 को रिकैप्चर करना बहुत क्रूशियल है, दैट इज वाई बुल लेवल जो है हमारा 17,940 है क्लोजिंग बेसिस पे। फर्दर अब जो बियरिश लेवल है ये आप लोगों को वीकली S3 दिख ही रहा है। अगले हफ्ते जो वीकली S3 है ये फिर से अपडेट होगा, इस बात को याद रखना। तो ये जो लेवल्स है ये अगले हफ्ते रेलेवेंट नहीं रहेंगे, अगले हफ्ते हमको फ्रेश लेवल्स मिलेंगे। तो अभी का ये जो लो लगा हुआ है ये हमारा मंथली लेवल पर लगा हुआ है। 4 आवर या वनडे का चार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो मंथली S1 है ये अब हमारा बियरिश लेवल बन चुका है, और अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोई बियरिश ट्रेड लेनी है तो 17,000 इसके नीचे ही लेनी है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। आपको बुल और बियरिश लेवल मैंने आपको दोनों दे दिए हैं। टारगेट जो है वो हमारे पास जो वीकली पिवट्स आएंगे वो उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएंगे, एंड मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा। बट अभी के लिए ये जो लेवल है बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इसका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, मेरा पर्सनल बायस अगर आप पूछो तो मैं बियरिश ही हूं अभी भी। क्यों मैं बियरिश हूं? क्योंकि आज की जो 4 घंटे की कैंडल क्लोज हुई ये काफी खराब कैंडल थी। अगर आप देखो तो इस कैंडल ने एक ब्रेकडाउन क्लोज दिया है, ठीक है। ये जो एक बड़ी सी रेड कैंडल थी इस कैंडल ने नीचे गिर के एक फ्लैश क्रैश देके एक रिकवरी दी थी, तो वो इतनी डेंजरस नहीं थी। बट आज की जो कैंडल है पूरी बॉडी बनी है, एंड जो भी सपोर्ट ये बचा रहा था, यहाँ का भी ये सपोर्ट जो बचा रहा था वो सपोर्ट भी अब यहाँ पे टूट चुका है। तो अब ये जो फाइनल लाइन ऑफ सपोर्ट है, फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है, उस पर खड़ा हुआ है। एंड दैट इज वाई अगर 17,760 टूटता है तो मेरे को फिर 17,400 और वो वाले लेवल्स दिखने के मतलब दिखने लग जाएंगे, मैं उस लेवल के फेवर में हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी पहले बता रहा हूँ आपको कि मेरा पर्सनल बायस जो है वो थोड़ा सा बियरिश साइड पर ज्यादा है। सिमिलरली गाइस बैंक निफ्टी की अगर आप बात करो तो डे चार्ट पर हम लोगों ने कल देखा था कि ईएमए के नीचे ही क्लोज हुए थे, आज
ओपन ऊपर हुए, पर अभी देखो आप, अभी भी मार्केट जो है ईएमए के नीचे ही कैसे ना कैसे करके सस्टेन कर रहा है। कोई भी डे कैंडल अब ईएमए के ऊपर पिछले 3 दिनों में क्लोज नहीं हुई है, एंड आज की भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि ये ईएमए के नीचे ही क्लोज होगी। और अगर ये ईएमए के नीचे क्लोज हुई तो आप लोगों को पता है हम लोगों को 3 बैक टू बैक कैंडल्स ईएमए के नीचे क्लोज मिल जाएंगी, विच कैन ओनली मीन अ बैड थिंग और अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हमारे पास जो बेरिश लेवल है गाइस, क्योंकि ऑरेंज वाली जो लाइन जाएगी अगले हफ्ते हट जाएंगी है ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंथली पिवट लेवल्स पर ही रिलाई करेंगे। एंड मंथली पिवट लेवल जो है हमारे पास यहाँ पे S1 का जो आ रहा है वो आ रहा है 39,629 का। ठीक है, तो हम लोगों को इस लेवल के टूटने का वेट करना पड़ेगा। एंड कोइंसिडेंटली ये वो लेवल है जिसका कल हमें लो देखने को मिला था एक्सपायरी वाले दिन, तो कोई बात नहीं, हम 39,600 टूटने का वेट कर लेते हैं। अगर ये बियरिश होना होगा तो हम इसके नीचे इजीली क्लोजिंग का वेट करके शॉर्ट कर सकते हैं, एंड वहां से फिर जो हमको टारगेट होंगे वो थोड़े बड़े ही मिलेगा। आप देखो जो मंथली S2 आ रहा है वो 38,647 पर आ रहा है, मतलब यहां से अगर फॉल हुआ तो सीधा 1,000 पॉइंट का टारगेट हमको मिल सकता है। तो इसीलिए मंडे को हमें क्लोजिंग का कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी अभी भी S1 को डिफेंड कर रहा है, कल भी S1 को डिफेंड किया था। एंड अगर यहाँ पे हम लोगों को यही सेम जो है VAL वैल्यू एरिया लो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, प्लस S1 के नीचे क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पिछली कुछ कैंडल्स को देखो यहाँ पर, ये जो निफ्टी के अंदर डे कैंडल्स है, ये कोई सी भी कैंडल S1 के नीचे क्लोज नहीं हुई मंथली पे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई भी डेली कैंडल हम लोगों को इस लेवल के नीचे क्लोज होती है देखने को मिलेगी, तो वो बड़ा क्रूशियल बन जाएगा यहाँ से आगे मार्केट के लिए। प्लस गिवन जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, आज की भी जो कैंडल अगर आप 4 आवर चार्ट पर देखोगे तो हम लोगों को ये कैंडल्स जो है ये ब्रेक डाउन का ही इंडिकेशन दे रही है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है इन कैंडल्स को देख के। 4 आवर की कैंडल एक हम लोग को ऑलरेडी S1 के नीचे क्लोज होती हुई देखने को मिली है, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ पिछले कितने भी महीने लगा लो आप। तो फाइनली जो बुल स्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत भी बचा था मेरे हिसाब से, वो बुल स्ट्रक्चर भी यहां पर खत्म हो जाना चाहिए। एंड फर्दर हम लोग जो है किन लेवल्स का वेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। 17,400 इन निफ्टी, इसके बेयरिश क्लोजिंग का आपने वेट करना है। एंड अगर आपको बुलिश क्लोजिंग का वेट करना है तो आई थिंक ये जो ऊपर ईएमए जा रहे हैं 17,586 के आसपास जा रहे हैं, हम 17,600 ले लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस रेंज के बीच में आप लोग ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि फिर देखो प्रीमियम भी डीके होता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अब 2 दिन बाद सीधा मार्केट खुलेगा तो वो प्रीमियम ज्यादा डीके होगा, इसलिए BTST भी आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, ट्विटर ज्वाइन करना, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।